दोस्तों, जैसा अच्छाई है वैसा बुराई भी है, अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। सो नॉट टू वरी, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। और एक बात दोस्तों, हम लोग वो वीडियो लेके आए हैं जिसका शायद सबसे ज़्यादा अभी के वक्त में हम लोगों को ज़रूरत है। फिश तो हम लोग लाते हैं, पालना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि वो फिश जब बीमार हो जाता है, कभी नेचुरली हो जाता है, कभी हम लोगों के गलती से हो जाता है। तो वो बीमार क्यों होता है और जब बीमार होता है उसको वहाँ से कैसे रिकवर करें? कुछ अननेचुरल बिहेव होता है फिश का, वो करता है तो उसमें क्या करें? ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और एक बार दोस्तों, अशोक एक्वा में आप सभी को वेलकम। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा तो देखिए लेकिन मैं बोलूँगा ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए वो सारे फ्रेंड के साथ जिसके घर में एक्वेरियम है, उनको ये वीडियो लगेगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं बहुत सारा प्रॉब्लम बोलूँगा और उसका सलूशन भी दूंगा। सो दोस्तों, अगर एंड में जाने के बाद लगा कि ये चैनल से सही में आप लोगों को मदद मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन में हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पहले एक वीडियो हम लोग देखेंगे, अभी वो वीडियो देखने के बाद हम लोग वो वीडियो के ऊपर बात करेंगे। ये एक्वेरियम में जो फिश था वो एकदम स्लोली ब्रीथ कर रहा था। यहाँ पे दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार होता है और बहुत सारे रीज़न के वजह से होता है। पहला रीज़न जो मुझे इस वीडियो में देख के लगा, इसका जो टैंक का वाटर कंडीशन है, टैंक का जो पानी का क्वालिटी है, वो लेकिन धुंधला हो गया था। मतलब पानी धुंधला तब हो जाता है जब पानी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि दादा मैं तो वीकली चेंज करता हूँ, और वीकली चेंज किया भी, लास्ट वीक को ही चेंज किया, अभी तो 5 दिन 6 दिन ही हुआ, कल करता, उससे देखा कि पानी सडनली क्लाउडी हो गया और ये हादसा हो गया। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कब पानी चेंज करेंगे, और ये आप ऐसा शेड्यूल नहीं बना सकते कि 15 दिन बाद ही मैं फिर पानी चेंज करूँगा, 7 डेज बाद ही मैं पानी चेंज करूँगा, 10 दिन बाद ही चेंज करूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि विद इन 3 डेज पानी का क्वालिटी बिगड़ गया है तो आपको उसको सही करना पड़ेगा। कभी कभार ओवर फीडिंग के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, कभी कभार फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम के वजह से भी होता है, पानी का टेम्परेचर अगर प्रॉब्लम में आ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। फिश बहुत रीजन से ऐसा कर सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है। तो वाटर को अच्छा रखना, हर तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई रूटीन ज़रूर बनाइए, लेकिन पानी अगर क्वालिटी ख़राब हो रहा है सडनली देख रहे हैं तो रूटीन को भूल जाइए, जो सामने हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब मैं एक सवाल लूँगा, ये सवाल है मोहम्मद आयुष की तरफ से। माई एरोना इज ईटिंग ऑप्टिमम पैलेट समटाइम, डज दिस पैलेट इफेक्ट एरोना? आई गिव पैलेट टू अदर फिश बट एरोना इट समटाइम्स। मैं ये वीडियो शुरू होने से पहले क्या बताया था कि कभी कभार हम लोगों के गलती के वजह से भी फिश को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों, हम लोग फिश तो ले लेते हैं, फिश चाहिए ले लिया, लेकिन उसको रखना कैसे है, वाटर कब चेंज होगा, खाना क्या खाएगा, ये हम लोग पूछते नहीं हैं। फिश पसंद आ रहा है, दूसरा कोई ले रहा है, मुझे भी लेना है, मैं भी ले लिया, टैंक में डाल दिया। एरोना ऑप्टिमम का जो दाना होता है, पैलेट होता है, वो नहीं खा पाएगा। दूसरा फिश का जो मुंह का शेप और एरोना का मुंह का शेप दोनों अलग होता है, वो छोटा छोटा गोल गोल दाना वो कैसे खाएगा? आप पूछे थे दुकानदार को, वो बताया था कि ये पैलेट्स, वो दाना दाना गोल गोल पैलेट्स खाएगा। एरोना को अगर पैलेट्स खिलाना है तो वो खाएगा स्टिक, जो लंबा लंबा स्टिक आता है, मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखिए, ये दीजिए, श्रिम्प दीजिए, चिकन का टुकड़ा दीजिए, वो भी खाएगा, उसके साथ आप उसको फीडिंग फिश दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप लाइव आइटम देंगे कोई, चिकन वगैरह या फिर श्रिम्प वगैरह, उस टाइम पे फिल्ट्रेशन और वाटर चेंज इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप पैलेट्स ट्राई करवा सकते हैं, लेकिन स्टिक, वो गोल गोल दाना नहीं खाएगा, इसलिए कभी कभार वो भूख के वजह से शायद वो खा लेता है या खाने का कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली
वो उसका फूड नहीं है। दूसरा सवाल अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए सर मेरा एरोना श्रिम्प एडिक्टेड है, दूसरा फूड एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्या करूँ? इसके ऊपर मैं अभी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला वीडियो, ये वाला वीडियो को जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए, अशोक अकवा में मेरा सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो को देखिए। तो देखने से जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए, आई होप आपका जो प्रॉब्लम है इससे आप रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं वाहिद मिर्जा, उनका जो सवाल है सर आई हैव 8-6 इंच ऑस्कर, 8 पीस 6 इंच का ऑस्कर है, फ्रॉम 5 to 6 मंथ, 5-6 महीना पुराना है, एंड आई हैव टू ऐड 1 8 इंच सिल्वर एरोना। अच्छा वो सिल्वर एरोना ऐड करना चाहते हैं, उनके पास 5-6 इंच का ऑस्कर है 8 पीस, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा एक चीज़ उनको कि देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ समझना है। पहला है कोई भी फिश ज़्यादा देर रहता है ना वहाँ पे, स्पेशली मॉन्स्टर वैरायटी का, तो वो उस जगह पे अपना टेरिटोरी बना लेता है। आपको यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन करना चाहिए था, आपका एक्वेरियम का साइज़ क्या है, तो मैं थोड़ा आपको और डिटेल्स में आइडिया दे पाता। तो जो भी मेरे दोस्त ये प्रॉब्लम में है, दूसरा शायद किसी दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम मैच कर जाएगा कि मेरा पास ऑस्कर है, मुझे एरोना ऐड करना है, या फिर बड़ा पैरोट है एरोना ऐड करना है, पहला देखना है कि वो सारा फिश क्या थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, वो एग्रेसिवली खाना खा रहा है, अपने में थोड़ा फाइट वगैरह कर रहा है कि नहीं, ये सब देखिए। और 5-6 इंच का ऑस्कर मतलब बड़ा ऑस्कर, छोटा ऑस्कर नहीं है, बड़ा हो गया है, उसमें अगर 7-8 इंच का एरोना डालेंगे तो चांसेस है वो एरोना को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो बहुत सारा है, 8 पीस है, वहाँ पे आप कम से कम 10-11 इंच का एरोना ऐड कीजिए तो मेरे हिसाब से ठीक होगा। लेकिन एक बार फ़ोन करके एक्वेरियम का साइज़ बताइए, कंसल्ट कीजिए, फिर आप कुछ ऐड कीजिए। स्क्रीन पे नंबर जा रहा है, ये नंबर को सेव कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। दोस्तों अभी और एक वीडियो दिखाता हूँ और फिर उस वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, ये मेरे कोई दोस्त होंगे सोशल मीडिया के जो ये वीडियो भेजे थे, उनको इस टैंक में स्टिंगरे ऐड करना है। तो पहले जो भी दोस्त थे मेरे, वो काफ़ी कलरफुल है, उनका टैंक काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी सारा वैरायटी है, लेकिन मैं पर्सनली उनको सजेस्ट करूँगा, उन्होंने 3 फीट बताया इनका साइज़, आपका टैंक ऑलमोस्ट ओवरक्राउडेड है, कुछ दिन में जब ये सारा फिश का साइज़ थोड़ा बढ़ेगा, सब लगभग एग्रेसिव फिश ही है, कुछ कुछ सेमी एग्रेसिव है, तो जब इसका साइज़ कुछ महीने बाद 1-2-3 महीने बाद और बढ़ेगा तो फिर आपका एक्वेरियम कंजेस्टेड हो जाएगा। स्टिंगरे बॉटम में रहता है, आपका नीचे बॉटम में सैंड वगैरह दिया हुआ है। एक चीज़ देखिएगा, उसके साथ बहुत और भी अल्टरनेटिव चीज़ बहुत सारा देके आपने टैंक को डेकोरेट किया है, तो उसमें क्या होगा ना, स्टिंगरेस को चलने में प्रॉब्लम होगा, उसका ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो आप इस टैंक में स्टिंगरे ओनली नहीं और कोई भी नया फिश ऐड ना ही कीजिए तो अच्छा, इसका लोड थोड़ा घटाइए। और एक चीज़, अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं तो वीकली 2-3 बार वाटर चेंज पे ध्यान दीजिए, जिनका एक्वेरियम ऐसा ओवरक्राउडेड है उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए वाटर चेंज के ऊपर, थोड़ा फ्रिक्वेंट करना पड़ेगा। शाश्वत बनर्जी, दादा मेरा गोल्डफिश अचानक से बहुत स्लो मूव कर रहा है। शाश्वत बनर्जी, गोल्डफिश खूब स्लो मूव करते, तो शाश्वत जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका पहला तो है मुझको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप में वीडियो भेजिए आप लोग, और थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर देख रहे तुरंत रिप्लाई नहीं आ रहा है तो 1-2 बार कॉल कीजिए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मैडम है वो ज़रूर आप लोगों से बात करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है ना, अभी का जो सीज़न है बारिश का भी है गर्मी का भी है,
तो टेम्परेचर एक फ्लैक्चुएट हो रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ इसके लिए एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ दिन पहले क्या एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसा ही एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने वाटर चेंज किया था और वाटर चेंज करने के बाद वो गोल्डफिश जाके नीचे बैठ गया था। तो बहुत बार होता है अगर ज़्यादा हम लोग वाटर चेंज कर देते हैं टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो जाता है या जो एक वाटर का नॉर्मल पैरामीटर होता है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है तो फिश ना स्ट्रेस में आ जाता है। एरोना को भी देखिएगा कभी जाके नीचे बैठ जाता है, ये गोल्डफिश को भी देखिएगा, ऑस्कर को भी देखिएगा, तो ये स्ट्रेस के वजह से हो सकता है। आप एक स्ट्रेसिल हमेशा, मैं सारे दोस्तों को बोलूँगा हमेशा हाथ के सामने रखिए। हितेन जी आपको वेलकम हमारे चैनल पे, हितेन प्रजापति। उनका मैसेज है अशोक भाई फिल्टर कैसे वॉश करें एंड 30 वाटर, मैंने 30% शायद वो बोलना चाहते थे, 30% वाटर वीक में कैसे चेंज करें कि जैसे फिश डाइड ना हो जाए, प्लीज़ मेक प्रैक्टिकल वीडियो। अच्छा ठीक है प्रजापति जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आपने जो यहाँ पे पूछा है कैसे वाटर चेंज करें, तो देखिए वाटर चेंज के ऊपर मेरा एक वीडियो है हाउ टू वाटर चेंज, वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जाके आप देख लीजिए कि कैसे आप वाटर चेंज करेंगे तो आपका फिश बीमार होने का चांस घट जाएगा, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसमें डिटेल्स में बोला हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा, वो हमें प्रैक्टिकली दिखाया हूँ तो वो देख लीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ईशु कश्यप, उनका ये सवाल है सर पैरोट फिश के साथ डॉल्फिन रख सकते हैं? डॉल्फिन मतलब जो मालावी सिकलेट में डॉल्फिन आता है वो नहीं, उन्होंने पूछा है फ्रेश वाटर डॉल्फिन के बारे में। सिकलेट वैरायटी का ही है दोनों, लेकिन पैरोट कंपैरेटिवली एग्रेसिव होता है, डॉल्फिन एग्रेसिव फिश नहीं है, वो एक्टिव है एग्रेसिव नहीं है। पैरोट देखिए अगर छोटा पैरोट हुआ ना तो उसके साथ डॉल्फिन ऑन एन एवरेज रह जाएगा, लेकिन अगर पैरोट का साइज बड़ा हुआ तो ये चांसेस है वो जाके उसका फिन निप करेगा या उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर आपका टैंक का साइज़ बड़ा है, पैरोट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हाइडिंग स्पेस दिया हुआ है तो आप डॉल्फिन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर टैंक का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा 2-2.5 फीट का है, उसमें आप बड़ा पैरोट दिया उसके साथ डॉल्फिन रखा तो ये गलती मत कीजिए, रख सकते हैं, लेकिन साइज़ एक मैटर करता है और टैंक का साइज़ और हाइडिंग स्पेस ये भी मैटर करता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो हम लोगों को कॉल कीजिए, डिटेल्स बताइए, हम लोग आपको सामने बता देंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों वीडियो को यहाँ एंड करेंगे, लेकिन मुझे पता है प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारा है, बहुत सारे दोस्तों का अभी भी बहुत सारा मैसेज है जो अभी एक वीडियो में सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग वो सारे सवाल के ऊपर कभी ना कभी ज़रूर ये वीडियो लाएंगे, इस टाइप का वीडियो जिसमें वो सारे सवाल को लेके भी हम लोग कंसल्ट करेंगे, वीडियो में सोल्यूशन देंगे। तब तक के लिए ये वीडियो से मैं अलविदा लूँगा, नया इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और ये वीडियो सही में लगता है कि बहुत सारे हॉबीस्ट हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, मैं बोलूँगा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए कि और भी कुछ दोस्तों को मदद मिल जाए। सबाई को भालो थाकबें, देखा होबे आरो एकटा नतून वीडियोते, नमस्कार।